अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर एमके टीएनसी न्यूज़ से। नाज़रीन, तेलंगाना वक्फ बोर्ड में बनाए गए फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में अवाम को करना पड़ रहा है इंतज़ार। जी हाँ, जो अवाम फैमिली काउंसलिंग्स के लिए वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर दफ्तर न खुलने की वजह से लोगों को बाहर ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं बेहाल बेबस अवाम की वक्फ बोर्ड से ये तफसीली रिपोर्ट। हेलो, यहाँ कट ऊपर 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 नहीं, उनको पहले समझा दीजिए ना। कहाँ से आप? चंचलपुर से आई। यहाँ का कैसे लिया? नाम है मेरा, कैसे लिया? यहाँ काउंसलिंग के लिए आई थी मैडम। तो यहाँ पर आने के बाद हम एक घंटा आधा घंटा ठहर के वेट कर रहे, तो कुछ भी हमारे नहीं। कहीं के लिए वेट कर रहे? कहीं के लिए वेट कर रहे? क्या है, काउंसलिंग चल रही है हमारी? नहीं नहीं, सही है, मगर ऑफिस में बाहर क्यों बैठे? बाहर ऑफिस में क्या ताला लगे हुआ है? जी हाँ, ताला लगे हुआ है ऑफिस को, जब से वेट कर रहे हैं हम। कोई खोली गया के हमारा काम हो जाएगा बोल के। हाँ, मैडम भी ठहरे हुए हैं, मैडम से ही बात करे। लाख लग के हैं रूम, मैडम भी खड़े के हैं, बहुत से काल करें, वो कब तक बैठना समझ में नहीं आ। कहाँ से आया? यहीं हैदराबाद से। नहीं, हैदराबाद में एरिया का नाम बोलो। हाँ, महदीपट्टनम से। जी, मेरा नाम हमीद। जोर से बोलो। मेरा नाम हमीद है, जी काउंसलिंग चल रही है मेरी बहन की। जो ऐसा आए कर जो ऐसा बंद है ऑफिस काउंसलिंग के, हमको दूर से आना है, उसमें आके भी हमको वेट करना पड़ा, ऑफिस बंद है। जब दिन में खोल रहे हैं, जब दिन में बंद करते हैं। कहाँ से आप? मैं ओलसीडी मोहनबाग से आया। कितने कितने दिनों से आ रहे हैं आप? तकरीबन 4-5 महीने से चल रही है हमारी काउंसलिंग। जी मैम, इफ यू आर फिनिश्ड प्लीज हेल्प मी टुडे, असिस्ट मी। हां, इन इनको देखो क्या मेरे को लिखा था, इनसे पूछो क्या बोल रहे सर। क्या नहीं आएगी तुम्हारे पास के लोग? मैडम से सलाम अलैकुम। मैडम से पूछे, बात करें मैडम से। इधर लेफ्ट में जाना है ना, जाके मैडम को काउंसलिंग में दम कर रहे हो, भिजाओ उनको अंदर सलीम भाई के पास। सील नहीं करे यार, नहीं खोले करते आज, मालूम है काउंसलिंग आए लोग आते करते। सुसाइड क्यों हुआ?
इसको क्लोज करो, फोटोज लेना है।